दो फ्रेंड्स एक ही लड़की से प्यार करते थे। इनमें से एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को धोखा दे दिया। अब आगे क्या होगा ये हम आज के हमारी मूवी क्यूरियोसा 2019 की एक फ्रेंड्स मूवी में देखेंगे। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर पियरे को शीशे के पीछे से देखता हुआ देख सकते हैं। इनमें से हमारी एक मेन कैरेक्टर थी जिसका नाम था मरी। मरी अपनी सिस्टर और फ्रेंड के साथ थी। पियरे एक्चुअल में अपने फ्रेंड हेनरी के साथ आया था। हेनरी मरी की सिस्टर के साथ शादी करने वाला था। पियरे मरी की मदर के सामने एक साथ दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। मदर ने पियरे को दूर रखने की कोशिश की पर मरी के पास चला जाता है। इन दोनों को करीब आते हुए मदर ने देख लिया था तो पियरे वहां से चला गया। जैसे कि हमें पता है कि एक्चुअल में हेनरी मरी की सिस्टर के साथ शादी करने वाला था, पर बाद में मरी को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका था। उसे पता था कि पियरे मरी से प्यार करता है पर अपने फ्रेंड को धोखा देने के लिए रेडी था। सबको लगा था कि मरी की सिस्टर को लेने के लिए आया है, पर बाद में बताता है कि वो मरी से प्यार करता है। यह हमारा टाइम 1800s का है, तो इस वजह से मरी से उसकी शादी करा दी जाती है। वो बहुत ही अमीर था तो उसके लिए सब कुछ पॉसिबल था। वैसे मरी भी पियरे से प्यार करती थी पर प्रेशर की वजह से उसे हेनरी के साथ शादी करनी पड़ी। नेक्स्ट सीन में हम हेनरी और पियरे को बात करता देखते हैं। पियरे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हेनरी कहता है कि मरी से मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। पियरे प्यार वगैरह इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, उसे लगता है ये सिर्फ एक शरीर की भूख होती है। हेनरी के शादी के बाद वो एक अलग कंट्री में घूमने के लिए चला गया था और अपने साथ एक लड़की को लेकर आया जिसका नाम था जोहरा। इस सब के बारे में हेनरी मरी से बात करता है, कहता है कि पियरे वापस आ चुका है और अपने साथ वो एक लड़की को लेकर आया। उसे लगता है कि पियरे उस लड़की के पीछे पूरा पागल हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की के साथ पियरे और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो सब उसका मजा ले रहे थे। एक दिन मरी डायरेक्टली पियरे से मिलने के लिए आ जाती है। जोहरा ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो डायरेक्टली अंदर आ गई। पियरे पूछता है कि मैं जोहरा के साथ हूँ, क्या इस बात से तुम जेलस हो। जब हेनरी ने तुमसे शादी की तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मरी उससे कुछ भी बोलती नहीं और डायरेक्टली उसे किस कर लेती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। अब इन दोनों को अलग जगह पर सीक्रेट में मिलना था। ये लोकेशन पियरे कोडनेम के थ्रू न्यूज़पेपर में भेज देता है। मरी भी ये कोड पहचान लेती है। मरी ने उसे लेटर लिखा और कहा तुम मेरे फोटोग्राफ्स लो, मैं इन फोटोज़ के थ्रू अमर रहना चाहती हूँ। पियरे उसके बहुत ही अच्छे से फोटोज़ लेता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा लवर बनूंगा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मरी ने कहा कि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, हम सिर्फ ये मजाक मजाक में कर रहे हैं। पियरे कहता है इन सब से हमें दर्द भी हो सकता है, पर इन सब के बारे में सोचने के लिए मरी रेडी नहीं थी। ये हमेशा मिलने लग गए थे। एक दिन मरी पियरे से मिलकर जरा लेट घर पर आई। घर पर ऑलरेडी पियरे और हेनरी दोनों पहुंच चुके थे। हेनरी पूछता है कि तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया। मरी कहती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं उसी के साथ थी। हेनरी को सिर्फ एक जोक लगता है और मरी भी इस पर बहुत हंसी। ये दोनों बैठकर बात करते हैं। हेनरी ने पियरे से पूछा तुम अलग अलग कंट्री घूम कर आए तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था। पियरे कहता है कि वहाँ पर बहुत मज़े थे, अलग अलग कलर्स, अलग अलग कल्चर्स, ये सब कुछ उसे बहुत पसंद आया था। तो वंडर करता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर पाता। यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मरी को पियरे से फिर से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। हेनरी फिर मरी और उसका मैरिज का फोटो एल्बम दिखाता है और मरी को लगता है कि अपनी शादी में वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। मरी से मिलने के लिए पियरे ने जो फ्लैट लिया था तो उसमें सामान रखने के लिए उसका फ्रेंड उसे मदद करता है। फ्रेंड को पता था कि पियरे का यहाँ पर क्या क्या चलता है। पियरे हमेशा अलग अलग लड़कियों को यहाँ पर लेकर आता था। इसी का फ्लेक्स करने के लिए पियरे ने एक नोटबुक अपने फ्रेंड को दिखाई। इसमें बहुत सारी लड़कियों के डिस्क्रिप्शन थे, उनमें फ़ोटोज थी और फिंगरप्रिंट्स भी थे। फ्रेंड को ये बात बहुत ही अजीब लगी। पियरे को इस तरीके से लड़कियों को एक ट्रॉफी की तरह देखना उसे अच्छा नहीं लगता। पियरे को खुद को यह नहीं पता था कि बात वो करता क्यों था। एक दिन जब मरी और पियरे इंटीमेट हो रहे थे तो पियरे मरी से पूछता है कि अगर मैं किसी और लड़की को हमारे बीच में लेकर आऊँ, यानी कि यहाँ पर एक साथ तीन लोगों के, तो क्या मरी को इससे कोई भी प्रॉब्लम होगा। मरी पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। पियरे ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे सब कुछ चीज़ें एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मरी पूछती है क्या तुम एक साथ मुझे और किसी और को प्यार कर सकते हो। पियरे कहता है कि अगर मैं किसी और के साथ हूँ फिर भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। मरी ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकती। कहती है
तुम्हारे सिवा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। जो भी आजकल प्यारे के साथ चल रहा था इसके बारे में वो बुक लिख रहा था। ये बुक उसने पब्लिशर को दिखाई थी। हेनरी भी पब्लिशिंग में ही काम करता है, तो एक दिन जब उसके कलीग के साथ वो डिनर कर रहे थे तो इसकी बात छेड़ी। प्यारे के बुक के जब फीमेल कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जाता है तो बहुत सारी मरी की तरह थी। हेनरी को इस बात पर थोड़ा सा शक होता है, पर इस पर वो ज़्यादा सोचता नहीं। एक दिन मरी जब प्यारे के फ्लैट पर थी तो वहाँ पर एक नोटबुक देखती है। इसमें सारे जोहरा के इमेजेस थे। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गई। प्यारे और मरी हमेशा एक साथ होते, पर जब मरी घर चली जाती तो प्यारे किसी और लड़की को ढूंढ लेता था। उसे अपने फ्लैट पर लेकर आकर उसका वो फोटोशूट करता। चीटिंग करना है उसे कुछ भी गलत बात लगती नहीं थी। मरी की उसने बहुत सारी फोटोज ली थी। एक दिन जब वो इन्हें डेवलप कर रहा था तो मरी कहती कि क्या ये फोटो मैं मेरे पास रख सकती हूँ, हमारा ये एक सीक्रेट एल्बम रहेगा। प्यारे इस बात के लिए मान जाता है। एक दिन हेनरी मरी को एक पार्टी में लेकर आया। मरी यहाँ पर जोहरा को नोटिस करती है। मरी को लगता है कि शायद प्यारे जोहरा से प्यार करता है, तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो अभी के अभी इस पार्टी से चली जाना चाहती थी, पर हेनरी उसे समझाता है थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाद में हम चले जाएंगे। हेनरी को और भी ज़्यादा शक होने लग गया था, तो उसने मरी का लॉकर चेक किया। इसमें उसके न्यूड फोटोज, पीआरओ के साथ की फोटोज, सब कुछ उसे मिल जाता है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। हेनरी मरी को कन्फर्म करता है, कहता है कि पीआरओ तुमसे प्यार नहीं करता। वो जिस तरीके से जोहरा को ट्रीट करता है तुम्हें भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा। वो और उसका फ्रेंड सब मिलकर जोहरा का फायदा उठाते हैं। अगर तुम चाहती हो कि इसी तरीके से कोई तुम्हें ट्रीट करे तो मैं भी तुम्हें इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। ये कहकर वो मरी को ज़बरदस्ती करने लग गया। मरी उसे रोक लेती है और कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नेक्स्ट सीन में मरी और प्यारे जब एक साथ थे तो मरी रोने लग गई। प्यारे ने जब उसे पूछा तो मरी कहती कि अब जोहरा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उसे तुम फिर से वापस भेज दो। प्यारे ने जब जोहरा को फिर से वापस जाने के लिए कहा तो जोहरा मान नहीं रही थी। वो कहती कि मैं यही रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं चीज़ करूँगी। प्यारे मान नहीं रहा था। जोहरा जाते जाते कहती है कि मैं कहीं भी जाओ तुम मेरे पीछे पीछे ही आओगे। अगले दिन जोहरा ने मरी को कन्फर्म किया। कहती है मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करती हो, पर क्या मेरा जाना ज़रूरी था? मरी कहती कि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। जोहरा ने कहा कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता। मरी कहती कि तुम प्यार सीख नहीं सकती। जोहरा ने कहा कि इसी बात पर तुम गलत हो। वो फिर उसे ऊपर लेकर गई। कहती है जिस तरीके से मैं प्यारे से प्यार करती हूँ उसी तरीके से तुम्हें भी सिखाऊंगी। जोहरा ने उसे कुछ चीज़ें सिखाई जिससे प्यारो को अच्छा लगेगा। इसके बाद वो हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ दिन बीत गए और प्यारे जोहरा को मिस करने लग गया था। इसके बारे में वो हेनरी से बात करता है। हेनरी भी चाहता था कि प्यारे हमेशा उसकी लाइफ से चला जाए। उसे कहता है तुम जोहरा से प्यार करते हो, तुम्हें इस तरीके से उसे जाने नहीं देना चाहिए, बाद में तुम्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। वो फिर जोहरा के पीछे पीछे चला गया था। जब मरी को ये बात पता चली तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो हमेशा सैड रहने लग गई। हेनरी ने उसकी सिस्टर और मदर को बुलाया। सिस्टर मरी से बात करने की कोशिश करती है। मरी ने कहा कि मैं प्यारे से बहुत प्यार करती थी, मैं उसे भुला नहीं सकती। हेनरी मरी की मदर को बताता है कि वो बोल रही थी कि उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए। मदर कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ उसे ज़रा इंटरटेन करो, अलग अलग जगह पर लेकर जाओ, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम गुजर चुका था। मरी फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। अलग अलग प्लेसेस पर वो घूमने लग गई थी। एक दिन वो प्यारे के फ्रेंड से मिलती है। फ्रेंड ने मरी के लिए गिफ्ट लाया था, वो भी एक राइटर है। तो मरी ने कहा तुम्हारी राइटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, हमेशा उसे मैं पढ़ती रहती हूँ। प्यारे के फ्रेंड को ये बहुत ही अच्छा लगता है। प्यारे के फ्लैट पर उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद मरी और प्यारे के फ्रेंड के बीच में एक अफेयर स्टार्ट हो गया था। इसी के दौरान मरी प्यारे को लेटर लिखती थी। प्यारे भी उससे बात करने लग गया। इसी वजह से मरी प्यारे के फ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसने कहा कि मैं प्यार के वर्थ इट नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। प्यारे को भी मरी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, तो फिर से वापस आ जाता है। वापस आ जाने के बाद उसे अपने फ्रेंड की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि मरी के बिना जी नहीं सकता, उसने सुसाइड कर ली थी। ये बात पता चलने के बाद प्यारे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपने आप को दोषी मानता है और इसी वजह से वो मरी से नहीं मिलता। मरी और प्यारे के फ्रेंड की दोनों की बहुत सारी फोटोज़ भी उसने देखी थी। मरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड से कभी भी प्यार नहीं किया था, और प्यारे इस बात को नहीं मानता। एक दिन हेनरी से प्यारे को न्यूज़ मिलती है कि मरी प्रेग्नेंट है। उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर उन्हें बेटा होता है तो उसका नाम भी वो प्यारे ही रखेंगे।
नेक्सिन में हम मरी की मदर को उसे समझाते हुए देख सकते हैं। कहती है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो, हेनरी ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है, अब सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी, तुम भी खुश रह सकोगी। मरी ने पियारो को लेटर लिखा। वो कहती है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे उसी के 9 मंथ्स बाद मुझे बेबी हो रहा है, इसका मतलब है ये बच्चा तुम्हारा ही है, तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी में इमेजिन नहीं कर सकती। जब मरी को बेटा हुआ तो हेनरी भी समझ लेता है कि उसका बेटा नहीं है। एक दिन हेनरी ने मरी और पियारो को पार्क में मिला दिया। वो एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। पियारे ने फर्स्ट टाइम अपने बेटे को देखा था। पियारे ने मरी से कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मरी कहती कि कितने टाइम तक? 15 मिनट। उसे पता था कि पियारे किसी भी बात को कमिट नहीं कर सकता। पार्क में हेनरी और पियारे अकेले में बात करते। पियारे ने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ, जो भी मैं आज बन पाया हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारा कर्जा कभी भी उतार नहीं सकता। हेनरी कहता है कि तुम मुझे एक हेल्प कर सकते हो, मरी के साथ तुम्हारा अफेयर कंटिन्यू करो। हेनरी सिर्फ चाहता था कि मरी हमेशा खुश रहे, भले इसके लिए उसे खुद तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। एक दिन मरी की मदर उसे मिलने के लिए आई। वो कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड लुइस ये पियारे से बहुत प्यार करती है, उससे वो शादी करना चाहती है। मरी की मदर को लगता था कि ये बैड डिसीजन है, पर फिर भी लुइस इसे मानने के लिए रेडी नहीं थी। वो एक दिन डायरेक्टली पियारे के पास पहुंच गए और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पियारे मरी को मिलने के बाद पूछता है क्या तुमने लुइस को मेरे पास भेजा था। मरी कहती कि तुमसे शादी करना चाहती है, तुमने भी तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। प्यारे कहता है कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहती हो। मरी ने कहा कि अगर तुम्हारी शादी हो गई तुम यहीं पर रहोगे और हम दोनों हमेशा मिलते रहेंगे। मरी और प्यारे का जो अफेयर था इसके बारे में मरी लिखने लग गई थी। इसकी वो बुक बनाकर हेनरी को दिखाती है ताकि वो पब्लिश कर सके। हेनरी भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद प्यारे और लुइस की शादी हो गई थी। अचानक से उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और फाइनली वो ब्लाइंड हो गया था। लुइस उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी तो हमेशा उसका ख्याल रखती है। मरी प्यारे से मिलने के लिए आई। प्यारे ने कहा क्या तुम मेरी हालत इमेजिन कर सकती हो, मैं पहले क्या क्या करता था और अब क्या बन चुका हूँ। मरी ने कहा कि अब भी तुम्हारे पास तुम्हारी फोटोग्राफ्स है। प्यारे कहता है वो सब कुछ हमेशा मेरे माइंड में रहेगी, उसका वर्क हमेशा अमर रहेगा। मरी ने जो बुक लिखी थी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। यही पर मूवी एंड हो जाती है, पर ये मूवी हमें पता कर जाती है कि अंधा और सेल्फिश लोग किस तरीके से बहुत सारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, हमारी खुद की और दूसरों की भी। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।